उमेश पाल हत्याकांड को 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिनों में अभी तक कोई भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज उमेश पाल के घर पर उमेश पाल और उनके साथ शहीद हुए दोनों पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उमेश पाल की माता जी हैं। अम्मा, 17 दिन हो गए, कोई नहीं पकड़ा गया, क्या मांग करेंगी? बेटा, चाहे 17 दिन हो चाहे 20 दिन हो, मेरा तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी इतना शासन कड़ा करे, उनका शासन प्रशासन हाथ में है, गुंडों को ढूंढ ढूंढ के मारे हैं, और हम क्या कर सकेंगे? जैसे मेरे बेटे को मारा है, कातिल कोई बचने ना पाए। जैसे मेरे बेटे को तड़फा के मारा, ये मारे जाए, कब तक भागेंगे? कब तक भागेंगे, कितने दिन भागेंगे? ढूंढने वाला शासन है, ढूंढ लेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अतीक अहमद पहले भी भैया को धमकी देता रहा है, कभी भैया ने आपको बताया, या उस दिन घटनाक्रम में आपके सामने ये हुआ था? कब धमकी दिया, कब नहीं दिया धमकी? राजू पाल हत्याकांड का बेटा गवाह था, 2 साल 1.5 साल बाद अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद अपना अपहरण का केस लड़ रहा था। अब क्या भैया धमकी देता था ये हमें नहीं पता। खास अपहरण 3 दिन बाद मेरे बेटे को छोड़ा था। अब की चक्कर तुम्हारा, उस दिन आपके सामने असद ने गोली मारी थी क्या? हम कमरे में थे तो हम देख पाएंगे। अच्छा, आप कमरे में थे, बताइए। हमारे निकलते निकलते तो सब कहानी खत्म हो गई, तो हम क्या देखेंगे? लगा है मेरे यहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, कैमरा बयान कर रहा, मैं क्या देखूं? या अतीक नहीं करवाया है? अतीक ने तो करवाया ही, अतीक ने मरवाया है, इसलिए कि भाई उसने अपहरण कराया, उसका अपहरण का मुकदमा चल रहा था, मुकदमा किनारे आ गया, तो उसने तो मरवाया अपने बेटे गुंडों से। इसमें शाइस्ता और तमाम लोग हैं, फरार हैं, ये लोग भी शामिल हैं, पूरा परिवार ये सब। देखिए बेटा, जब आदमी वहां से षड्यंत्र रचेगा तो उसकी बीबी, उसके बच्चे, सभी लोग सहयोग करेंगे। तो हम तो ने किसी को देखा नहीं, ना किसी को सुना, ना समझा। अगर देखे होते, समझे होते, तो अपने बेटे को सतर्क ना करते। अब ये तो निकल रहा, कहाँ निकल रहा, शासन देखे, हम क्या देखे? हम क्या देखे? मेरा सिर तो लुट गया, हम क्या देखे? उमेश पाल की पत्नी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी अब आप क्या कहेंगे, कि उम्मीद आपको लगता है कि सरकार न्याय करेगी, इन लोगों को ढूंढ पाएगी? शासन न्याय करेगा, उम्मीद है, भरोसा भी है, लेकिन देर मत करें, क्योंकि जो जलती हुई आग में जो खत्म हो सकता है वो ठंडे होने पर नहीं होगा, वो फाइलें दबा दी जाएगी। ऐसा कोई काम ना हो भगवान, उनको जो जिसने किया है घटना, उन सबको किसी को छोड़ा ना जाए, सब खत्म हो। आपको डर है जैसे अतीक अहमद के तमाम केसेस दब गए, तो अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इस केस को भी दबा देगा अतीक के जो मददगार हैं? हाँ बिल्कुल, दबा देंगे ही। आदमी आज राजू पाल खत्म हुए, 18 साल हो रहा है, उनकी क्या क्या निकला? कुछ रिजन निकला, कुछ नहीं निकला, लेकिन ये योगी सरकार में हुई है तो योगी जी जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सबके पिता एक तरह से है, अब हम लोग उनके बच्चे हैं। कम से कम एक बेटियां अपने पिता से गुहार लगा रही कि आग ठंडी ना होने दे, उसको खत्म करे, वो बचने ना पाए। उमेश पाल की पत्नी और माँ हैं, जिनको उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को माकूल जवाब देंगे, उनको सजा दी जाएगी।